हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आंवले का कटाकट। दोस्तों आंवला हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें से थोड़ा कसलापन होता है तो हमें खाने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे हम इस तरह से कटाकट बनाएंगे तो छोटे तो ठीक, बड़े भी इसे चाव से खाएंगे। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो बनाना स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए आधा किलो आंवला। अगर आपके पास थोड़े से बड़े वाले आंवले हो तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं, छोटे वाले हो तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें आंवले को अच्छे से दो से तीन पानी से धो के साफ कर लेना है ताकि इसमें जो भी डस्ट हो वो निकल जाए। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं इसे दो से तीन पानी से अच्छे से धो के साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमने आंवले को अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम इसे स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली एक जाली वाली प्लेट। तो अब हम सारे आंवले को यहाँ पे इसमें रख देंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो कुकर में भी दो विसल लगा सकते हैं। मेरे पास कुकर ख़राब हो गया था इसलिए यहाँ पर मैं इसे स्टीम कर रही हूँ। तब हम इसे 10 मिनट के लिए इसे स्टीम करने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर हमारा आंवला भी अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जब आंवला अच्छे से स्टीम हो जाएगा ना तो इस तरह से थोड़ा सा फट जाएगा, ये देखिए इस तरह से। तो बस इस तरह से आपके आंवला हो जाए तो आप इसे निकाल लीजिए और इसे हल्का सा ठंडा होने दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे आंवला ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसमें से जो बीज है वो सारे बीज को यहाँ पर हमें निकाल लेने हैं। दोस्तों ये आंवला बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे हमें आंवला रोज खाने ही चाहिए। तो आंवला हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके सारे बीज निकाल दिए हैं। तो अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक मिक्सर जाल। तो अब हम थोड़ा थोड़ा सा आंवला इसमें डालते जाएंगे और यहाँ पे हमें आंवले का बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हम आंवले को अच्छे से पीस के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आंवले को पीसा था लेकिन ये थोड़ा सा दरदरा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, यानी कि 1 से 2 चम्मच यहाँ पे हमें इसमें पानी डालना है। उसके बाद फिर से हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। इससे ये अच्छे से पीस के तैयार हो जाएगा और बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने फिर से आंवले को अच्छे से पीस के तैयार कर लिया है। तो बस इसी तरह से हम सारे आंवले को पीस के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे आंवले को पीस के तैयार कर लिया है और यहाँ पे गैस पे मैंने रख दी है कढ़ाई, जिसमें यहाँ पे हम कटाकट बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम सारे आंवले के पेस्ट को इसमें डाल देना है। तो अभी मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है, पहले हम सारे आंवले के पेस्ट को इसमें डाल देंगे उसके बाद ही ऑन करेंगे। तो अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को कर लेते हैं ऑन। तो यहाँ पे पहले तो हम इसे करीब 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। तो बस 2 मिनट के लिए यहाँ पे हम इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते ही रहना है। तो यहाँ पे पकाते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे गुड़ को। तो यहाँ पे हमने आधा किलो आंवला लिया था तो इसमें हम डाल देंगे 400 ग्राम गुड़ को। तो ये इसका कटाकट का कलर कैसा आएगा ये आपके गुड़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका गुड़ थोड़ा डार्क कलर का होगा तो ये थोड़े डार्क कलर के बनेंगे, अगर आपका गुड़ थोड़ा लाइट कलर का होगा तो ये लाइट कलर के बनेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले अच्छे से गुड़ को मिक्स होने तक अच्छे से पका लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो अब हम यहाँ पे हम गुड़ को और आंवले को अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं ताकि गुड़ जो है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। तो इसी तरह से हम इसे लो फ्लेम पर पहले अच्छे से पका लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे गुड़ भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, बस थोड़ा थोड़ा से बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे थोड़े से मसाले जिससे ये कटाकट बहुत टेस्टी और लाजवाब लगेगा। तो 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे अजवाइन, आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे हींग को। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे काला नमक। दोस्तों इससे कटाकट का टेस्ट बहुत अच्छा भी आएगा और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो अब हम सारे मसाले को पहले यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से मसाले इसमें लग जाए और मिक्स हो जाए।
तो इस तरह से यहाँ पे हमें इसे अच्छे से चला लेना है और गैस की फ्लेम को यहाँ पे हमें लो टू मीडियम ही रखना है। दोस्तों इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं, अभी सर्दियाँ भी हो रही है तो दोस्तों आंवला जो होता है वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा और फायदेकारक होता है। लेकिन हम बच्चों को देंगे ना आंवला खाने के लिए तो वो नहीं खाएंगे, लेकिन हम इस तरह से थोड़ा सा इसमें मसाला डाल के देंगे तो वो आसानी से खा लेंगे और ये सबको बहुत पसंद भी आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आंवला थोड़ा सा कसेला होता है, इसलिए यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच आमचूर पाउडर। दोस्तों इससे आंवले का कसेलापन है वो थोड़ा सा निकल जाता है। तो आमचूर पाउडर डालने के बाद इसे हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। उसके बाद यहाँ पे हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये मिक्स ना इकट्ठा ना होने लगे, तब तक यहाँ पे हमें इसे अच्छे से पकाते रहना है और गैस की फ्लेम को यहाँ पे हमें लो टू मीडियम ही रखना है। तो जिस तरह से आप इसे पकाते रहेंगे ना तो ये मिक्सन धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसे अच्छे से पका लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये इकट्ठा भी होने लगा है और थिक भी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को कर लेंगे बंद और इसे 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 से 4 घंटा हो चुका है और ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिए 1/2 कप पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हाथों में थोड़ा सा चीनी लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बना लेते हैं कटाखट को। तो यहाँ पे आपको छोटे बड़े जिससे तरह भी कटाखट बनाने हो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो इससे बिल्कुल मार्केट जैसा ही लगेगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा खाने में। तो ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल कटाखट हमने बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम पिसी हुई चीनी में थोड़ा सा डिप कर लेंगे। तो ये देखिए बन गया ना इस तरह से बिल्कुल मार्केट जैसा ये कटाखट। तो इस तरह से हम सारे कटाखट को बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने सारे कटाखट बना के तैयार कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है, फिर से इसे 1 से 2 घंटे के लिए इस तरह से इसे खुला रख दीजिएगा। जब ये अच्छे से सूख जाए उसके बाद ही आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दीजिएगा। तो ये पूरे साल तक ख़राब नहीं होते और इसे आप पूरा साल तक खा के एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में प्यारा सा कमेंट करके हमें ये भी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको राधे राधे।